नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अमावस्या पर्व के विषय में। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या हमारे लिए बहुत ही खास होती है, विशेष होती है, लेकिन वर्ष में कुछ ऐसी अमावस्या होती है जिनका की अत्यधिक महत्व बताया गया है। जैसे की सावन मास की अमावस्या, भादो मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या, सोमती अमावस्या इत्यादि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। आइए बात कर लेते हैं अमावस्या के विषय में, क्या क्या विशेष आपको करना है, पितरों का आशीर्वाद आपको कैसे लेना है, हमारी जो माताएं बहनें हैं अपने सुख सौभाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कार्य अवश्य कर लेंगी। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। साथ में सावन मास है तो हरियाली अमावस्या पर हमें भगवान भोलेनाथ जी की और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अमावस्या के दिन सुबह सवेरे से आपको क्या क्या कार्य कर लेने हैं, वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए आइए सारी बातों को एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सुबह सवेरे आपको उठना चाहिए। अमावस्या तिथि पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही पानी में काला तिल या फिर गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। सूर्यदेव भगवान जी को जल देते समय जल में काला तिल जरूर डालें। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों को अंजलि से जल दें, अर्थात उनका तर्पण करें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त आप दान निकालें, दान जरूर करें, संपूर्ण सीधा का दान करें, उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। अब बात आती है माताओं बहनों के लिए, तो माताएं बहनें इस दिन सुहाग की सामग्री का दान जरूर करें और पीला सिंदूर जरूर लगाएं। माता गौरी जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जैसे कि मुख्य श्रृंगार ही यदि आप अर्पित कर देती हैं तब भी बहुत ही उत्तम बात है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी इत्यादि जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये सावन की हरियाली अमावस्या है तो इसका अत्यधिक महत्व है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कब है ये पर्व, तिथि कब से कब तक है। तो दोस्तों, इस बार सावन मास की हरियाली अमावस्या 4 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अगस्त को दोपहर में 3:50 पर और यह समाप्त होगी 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 अगस्त दिन रविवार को यह पर्व मनाया जाएगा। अब इसमें विशेष बात यह है कि रविवार पड़ने के कारण हम इस दिन पीपल पूजा नहीं कर सकेंगे। वैसे तो अमावस्या तिथि पर पीपल पूजा करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम यदि पीपल पूजा कर लेते हैं तो हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, लेकिन रविवार को किसी भी स्थिति में हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। अब बात आती है शनिवार की, क्योंकि एक दिन पहले ही संध्या से दोपहर के बाद से अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है, तो संध्या के समय अर्थात शनिवार की संध्या को आप पीपल वृक्ष के समीप सरसों तेल का दीपक जरूर जलाएं अपने पितरों का स्मरण करके। ध्यान रहे सूर्यास्त न होने पाए, सूर्यास्त से पहले ही आप दीपक अवश्य जला दें। अब रविवार को आपको और क्या क्या करना है, तो आपने सूर्य भगवान जी को जल दिया, पितरों के निमित्त आपने दान निकाला। अब इस दिन शिवालय में जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना जरूर करें, वहां पर माता गौरी जी को श्रृंगार अर्पित करें। सुहागिन माताएं बहनें इस दिन बालों को नहीं धुलती हैं, लेकिन पीला सिंदूर जरूर लगाएं, श्रृंगार जरूर करें, पैरों में आलता इत्यादि जरूर लगाएं। वैसे तो सावन का माह है, मेहंदी वगैरह हम लोगों को लगाना ही चाहिए, तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, ये सारी जो तिथियां हैं ये बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और शिवालय में जाकर शिव जी की आप पूजा अर्चना करें, उनसे सुख सौभाग्य की प्रार्थना करें और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर काला तिल जरूर चढ़ाएं। वैसे शिवलिंग पर काला तिल हमें प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे पापों का नाश होता है, लेकिन अमावस्या तिथि पर अवश्य ही काला तिल चढ़ाएं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। संध्या के समय अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का लौ भी आपको करना चाहिए और आपको दक्षिण मुखी होकर ही पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये विशेष दीपक होता है जो कि अमावस्या तिथि पर हमें पितरों के निमित्त जरूर जलाना चाहिए। आप अपने रसोई घर में मिट्टी का पात्र जरूर रखें, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और वहां पर भी आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, वो पितरों का स्थान होता है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन करा सके तो बहुत उत्तम बात है, किसी गरीब को ही भोजन करा दें तब भी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन कौओं को तो भोजन आपको जरूर देना चाहिए। वैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है कि अमावस्या तिथि पर थोड़ी सी खीर पूड़ी आपको बनानी चाहिए और ये कौओं के लिए जरूर आपको निकालना चाहिए और देना चाहिए।
चींटियों के लिए आटा थोड़ा सा शक्कर मिलाकर जरूर डालें, मछलियों के लिए आटे की गोलियां जरूर डालें, पक्षियों के लिए दाना डालें, गौ माता को भोजन दें, कुत्ते के लिए रोटी दें, किसी भी असहाय किसी भी निर्धन की आप मदद करें, किसी भी गरीब की मदद करें, चाहे वो आपके द्वार पे आया हो या फिर आपको कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी आपने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी मदद जरूर करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे जो पितर हैं वो धरती पर आते हैं और हमारे सभी कृत्यों को हमारे सभी कर्मों को वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं या अच्छा कर्म कर रहे हैं। इन सभी बातों में दोस्तों सबसे विशेष बात कि अमावस्या तिथि पर हमें अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने द्वारा हुई किसी भी त्रुटि के लिए उनसे निरंतर क्षमा मांगनी चाहिए कि हे पितृ देवता, जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी हमने किया उसे आप स्वीकार करें और हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, इसे हमें क्षमा कीजिए और हम पे प्रसन्न होइए, हमारे परिवार का कल्याण कीजिए, हम आपके ही संतान हैं, आपके प्रसन्नता के बिना हमारा कल्याण कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आपको पितरों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तर्पण करते समय पितरों का ध्यान करना चाहिए, दान करते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए, जब आप पीपल पूजा करें तो पितरों का स्मरण करें। रविवार है तो नहीं करेंगे लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर हमें करनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम पितरों का ध्यान करते हुए अमावस्या तिथि पर जब सारे कार्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारी जो भावना है, हमारी जो श्रद्धा है वो उन तक पहुंचती है और वो आशीर्वाद देते हैं। तो सारी चीजें दोस्तों भाव से जुड़ी हुई हैं। जब भी हम कोई कार्य करेंगे वो भाव पूर्वक करेंगे तो वो कार्य हमारा सफल होगा, और बिना भाव, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के हम कितना भी कुछ कर ले, करते ही जाएं, निरंतर मेहनत करते जाएं कि हमने ये कर दिया, इतना दान कर दिया, इतना कार्य कर दिया, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो बात आती है वही भाव की, थोड़ा ही करें लेकिन भाव से करें, श्रद्धा से करें। हमारे पितरों को हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, तो ये सारे कार्य करें अमावस्या तिथि पर। हमेशा मैं विस्तार से ये बातें इसलिए समझाती हूँ दोस्तों कि हम पूजा पाठ तो बहुत सारा कर लेते हैं, देवी देवता को प्रसन्न करने में हम लगे रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पितर अप्रसन्न रहेंगे तो हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होगा। हमें पितरों का आशीर्वाद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने देवी देवता को प्रसन्न करते हैं। दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी हैं। तो इसलिए आप लोग पितरों को भूले नहीं, उनका स्मरण करें, उनके निमित्त जो भी हमारे कर्म हैं, वैसे तो हम पितरों के कर्ज से, अपने माता पिता के कर्ज से कभी भी उद्धार हमारा नहीं हो सकता है, हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन यही सारे जो कृत्य हैं अमावस्या पर या फिर ऐसे ही हम ये सारे कर्म करके अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये विशेष अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, आप लोग ये सारे कार्य जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बताना भूल गई, जब भी माताएं बहनें श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें तो उसमें पीला सिंदूर का दान करें। पीला सिंदूर असली सिंदूर माना जाता है और जब हम पीला सिंदूर का दान करते हैं तो इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अमावस्या पर तो खास करके हमें पीला सिंदूर लगाना भी चाहिए और माता गौरी जी को चढ़ाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। ये सारी बातें थी, जरूरी विशेष बातें, आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपने घर परिवार के कल्याण के लिए ये सारे कार्य जरूर कीजिएगा। किसी भी अमावस्या तिथि को दोस्तों व्यर्थ बिल्कुल ही न जाने दीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।